वो किसी करोला में है, यानी एक बहुत बड़ा ग्रोह मालूम होता है। अच्छा सर, जो बंदा हमने पकड़ा था उसके पास 150,000 उसके बकौल था कि 150,000 उसके पास है। अच्छा, हमने 15 पे कॉल की, हमने वेट किया, ये जितने भी हैं ये सारे हमारे वर्कर्स भी हैं, भाई भी हैं, सारे मतलब के हमारे मतलब के जान पहचान वाले हैं। इन लोगों ने उन लोगों को देखा, पकड़ा और रोक के रखा, पुलिस के हवाले नहीं किया जब तक हम लोग नहीं आए। ठीक है, जैसे ही हम लोग आए इन्होंने पुलिस भी आ गई थी, इन्होंने पुलिस के हवाले किए। उस मुजरिम ने, जो मुजरिम साबित हो चुका है, उसने ये कहा कि 150,000 मेरा जो है इन लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब वो 150,000 उसका था नहीं था ये हमें नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन जैसे ही हमारे बंदे ने पुलिस के एक मेंबर को 150,000 उनके बकौल, मुजरिम के बकौल पकड़ाया, उन्होंने उसी टाइम वहाँ से 4 नोट निकाले। किन्होंने? पुलिस वालों ने 130,000 जब उन्होंने काउंट किया, 130,000, अब वो 20,000 भी हमारे ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ पे मुजरिम भी हम लोगों ने पकड़ के दिया उनको, ठीक है, चीज़ भी हमारी गई, नुकसान भी हमारा हुआ। ठीक है, उसके बाद मुजरिम भी यहाँ पे हम लोग बने, कहते हैं कि आप 20,000 रुपया आप हमें सुपुर्द करें। अब तो आप मुझे ये बता सकते हैं वो जो पुलिस वाले आए थे वो कौन से थाने से आए थे, कुछ आपको इसके बारे में है मालूमात? वो थाना नवाब टाउन के थे, पुलिस एहलकार जितने भी थे। उनमें से किसी का नाम पता होगा? सर अगर मैं नाम लेता हूँ तो मैं पर्सनल अटैक करूंगा किसी के ऊपर भी, और मैं पर्सनल अटैक फील। यानी आपको किसी का नाम उनमें से नहीं पता जो लोग यहाँ पे आए? मैं जानता भी हूँ, सारा कुछ है, लेकिन अगर मैं नाम लेता हूँ तो ये पर्सनली अटैक होगा। आप तो चले जाएंगे यहाँ से रिपोर्टिंग करके, कल को वो मुझे साइड पे ले जाएं तो फिर मेरे साथ कौन खड़ा है? क्या आप मेरी आवाज़ बने? तो इसका हल क्या है, आप क्या चाहते हैं इसका? हम तो आपकी आवाज़ बनने के लिए आपके पास आ जाए हैं, आपकी आवाज़ ही बन रहे हैं, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या हल होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि थाना जो करचल है, जो इस वक्त पंजाब के अंदर चल रहा है, मेहरबानी करके मैं इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं बुज़दार साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने थाना करचल को देखें, उसको सेट करें, हम गरीब लोग किधर जाएंगे? एक बुरी खबर, और अगर आप मंडियों में आते हैं तो एहतियात करें, व्यापारियों के साथ भी गलत ना करें, अपने साथ भी गलत ना होने दें, अपनी चीज़ों का कीमती सामान की खुद हिफाजत करें।